साथियों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको जो मैथ्स का आपका डर बना हुआ है कि सर यूपी पुलिस हो या फिर किसी भी अन्य एग्ज़ाम में, स्पेशली मैं बात यूपी पुलिस की ही करूँगा, तो इन एग्ज़ाम्स के अंदर जो मैथ आता है उसको लेकर के बड़े संशय में आप बने रहते हैं कि आपका पेपर के अंदर स्कोर कैसा होगा, क्या आप उसमें अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पेपर में 18 से 19 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं मैथ्स के, बाकी जो अदर पोर्शन होता है वो रीजनिंग के अंदर आता है। आज मैं आपको विद प्रूफ के साथ में आपके अंदर जो ये इल्यूजन बना हुआ है सर कि मैथ बहुत डिफ़िकल्ट आता है, वो ऐसा मैं ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। प्रीवियस ईयर 2018 में जो पेपर आया था या फिर जो भी आया हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो मॉडल दिखाना चाह रहा हूँ। पूरा पेपर जिसमें कि पूरा मैथ्स जो है वो आया था वो आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैथ्स की जिसकी आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा मैथ जो है वो बहुत कमज़ोर है, या फिर मेरी बहन हो या मेरा भाई हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल्स के तौर पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर 2018 के पेपर में आए थे, और जब आप उन्हें देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैथ्स का जिस तरह से आपने हवा सोच रखा है अपने दिमाग के अंदर, हवा बना रखा है, वैसा है नहीं। आप सवालों को देखेंगे तो आराम से कर सकते हैं। देखिए, आप अगर सवाल ऐसे कर रहे हैं, आपको बहुत कमज़ोर है मैथ्स के अंदर, आप सीजीएल लेवल या फिर सीपीओ लेवल के एसआई लेवल के सवालों को आप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको आप नहीं कर पाएंगे और डिमोटिवेशन जो है ऑटोमेटिक आपको आएगा। तो ऐसा नहीं, आप अपने लेवल के हिसाब से जो है सवालों का चयन करें और उन्हीं सवालों को लगाएं जिनको लगता है कि हाँ मैं इस जो ये टॉपिक है इसमें मैं सक्षम हूँ करने में, तो उनको आप बेहतर कर लीजिएगा। अगर मान लो 10 में से 8 टॉपिक आपके अच्छे हैं और 2 हैं वो कमज़ोर हैं, तो उन पर ज़्यादा टाइम ना भी दोगे तो भी चलेगा। विशेषकर मैंने भी ऐसे किया था। एग्जाम्पल के तौर पर 10 में से मेरे अगर 8 सही हैं तो मैंने सही को ही सही बहुत अच्छा कर रखा था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैथ्स के लिए मैथ कोई हवा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी पुलिस में जो मैथ्स आता है वो रेडियो ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो, या फिर यूपी पुलिस का कोई भी हो, मतलब समझ रहे हैं आप, उसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि मैथ का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है, जैसा हमने सोच रखा है। तो अपने अंदर अगर एनर्जी रखेंगे और बार बार उन्हीं सवालों का अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उस तरीके का जो एक तरीके का सवाल आता है उस तरीके में आप माहिर हो जाएंगे। अगर उसी तरीके पर कोई भी सवाल आएगा पेपर में तो आप कर सकते हैं। तो कुछ तरीके होते हैं नहीं, उनको आपको ध्यान में रखना। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको कुछ सवाल दिखा देता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए थे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप भी सॉल्व करते जाइएगा। आप कमेंट के अंदर मुझे अपने इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, सर इस प्रश्न का जो आंसर वो ये बनता है। देखिएगा, ये जो है ये लिखा हुआ, किसी घर को बनाने में 42 व्यक्तियों के द्वारा 75 दिन का समय लिया गया, 28 व्यक्तियों के द्वारा 90 दिन, तो काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा? तो ये आपको पता होगा, MD बटे W, ठीक है, MD बटे W, ये सवाल होता है दोनों तरफ MD बटे W, मतलब इसमें कि कितना टाइम लग रहा है, कितना डेज लग रहा है, कितने आदमी हैं, बटे काम क्या है, ये सब इस तरीके से ये सवाल किया जाता है। तो MDH वाला है फॉर्मूला, इसमें कि आपको परेशान नहीं होना है, ये आराम से हो जाएगा, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगा। ठीक है, नाभ है जल धारा का, ये टॉपिक को आप छांट के लिख लीजिएगा। नाभ धारा का प्रश्न आया था, ठीक है, कार्य वाला आया था, MDH वाला आया था, तो इनको आप नोट कर लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस करें तो इन पर अच्छी कमांड रखें, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ से बन रहे हैं। तो जल धारा वाला हो, नाभ वाला हो, तो उनमें आराम से जैसे ट्रेन का करते हैं वैसे एज इट इज़ ऐसे ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये जो एक तरह से दे रखा है वर्ड मास पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये 42 वाला, आप आंसर जो है कमेंट कर दीजिए, मैं चेक कर लो जो, ठीक है, आपका बहुमूल्य कमेंट का मोस्ट वेलकम है, मैं चेक करूँगा कि इनके आंसर जो है क्या आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये एक वर्ड मास पर डिपेंड है। वर्ड मास का अगर आप मतलब पता है तो आराम से कर सकते हैं। वर्ड मास के दो सवाल, एक दो सवाल आता ही आता है, मतलब दो दुनी चार, चार नंबर आपके फ्री में आ जाएंगे, तो वर्ड मास को अच्छा कर लीजिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, वही सेम क्वेश्चन है, बस ऐड ही करना है, ऐड करना आना चाहिए पॉइंटों के अंदर, जैसे 5.1, 5.10, 5.100, तो किस तरीके से इनको ऐड करेंगे वो आपको आना चाहिए। इसके बाद में देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये दो संख्याएं दे रखी हैं 44 वाले में, 7/16, 7/48, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अंतर मतलब माइनस कर देना है, तो 7/16 में से 7/48 घटाएंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, जहाँ तक है मुझे लगता है इसका 7/24 आएगा। इसके बाद में देखो, डिफरेंस आ गया, इसके बाद में एक अच्छा सा सवाल है और ये बेसिक सवाल है। जब आप देखिए, कभी भी अगर आप विभाजन वाले कुछ सवाल करेंगे
ठीक है, भाजक विभाजक भाज्य, तो इनको समझ लीजिएगा। एलसीएम वाले थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बार बार प्रश्न आते हैं। ये आपके सामने मैं सवाल रख देता हूँ, 16, 24, 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या क्या होगी। पहली बात, ऐसा भी सवाल आ जाए, पहले आप एलसीएम ले लीजिएगा 16, 24, 28 का, चार अंकों की सबसे बड़ी विभाजित संख्या कौन सी होती है, 9999। तो विशेषकर आप याद रखिएगा कि जो भी एलसीएम आएगा, ठीक है, जो भी जैसे इसका एलसीएम जो भी आएगा, याद रखिएगा 9999 में उस एलसीएम का जो वो भाग दे देना है। ठीक है, जो शेषफल बचेगा वो जो शेषफल बचेगा उसे आपको 9999 से घटा देना है और वो संख्या आ जाएगी चार अंकों की संख्या क्या होगी। तो ये तरीका होता है, तो रिवीजन करेंगे तो आप इस तरीके को समझ पाएंगे। देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रख दिया है, कमेंट कर दीजिएगा आंसर इसका क्या होगा। 46 है ये, देखो बहुत आसान है जो आप देख रहे हैं, जो हुआ बना रखा है ना, मैथ मैथ मैथ, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक आता है, हाई लेवल के सवाल हाई लेवल एग्जाम में आते हैं। जैसे इसमें 160, 720, 400 का मासापा क्या होगा, तो मासापा के लिए बहुत सिंपल सी भाग विधि का आप इस्तेमाल करेंगे तो जो आंसर बचेगा वो इसमें आंसर आ जाएगा, 80 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे, जो रिमेनिंग बचता जाएगा वो रिमेनिंग को और जो भी जिसे आप भाजक जो भाग दे रहे हैं प्रीवियस में वो आगे रखते जाइए। इसके बाद देखो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग के आपको नेम याद होने चाहिए, ये टॉपिक नोट कर लीजिएगा कि पूर्ण वर्ग वाला सवाल आता है तो वो आप याद कर लीजिएगा, पूर्ण वर्ग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, इनकी ट्रिक ऐसे लिख दीजिए, पूर्ण वर्ग छांटने की ट्रिक यूट्यूब पर, यूट्यूब वीडियोज आ जाएगी और उनसे आप सीख जाएंगे। अब देखिएगा ये आपका रेशियो वाला है, ये बहुत आसान और मज़ेदार सवाल होते हैं, 264 को 31 और जो है अनुपात 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, छोटे भाग का मान, जो छोटा होता है वो छोटे के बराबर, ये देखो 264 है ना, तो 264 जो दे रखा है वो 264 सबसे छोटा है मतलब 13, तो 264 गुणा 13 डिवाइड कर दीजिए किसका, छोटा भाग निकालना है मतलब दोनों के योग के, तो 44 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग के बराबर ही 264 है और छोटा भाग निकालना है तो जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दीजिएगा, ये आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा ये आपको ये मतलब एक तरह से पूर्णांक या परसेंटेज जो निकालना होता है वो है कि जैसे 600 नंबर का प्रश्न, जैसे मान लीजिए 300 नंबर का पूर्णांक है उसमें से आपने 200 प्राप्त किए तो कितना प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किया, तो वैसा ही है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होगी, यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं, ठीक है 600 अधिकतम अंक हैं, तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या होगी, मतलब कट ऑफ का मतलब वही परसेंटेज निकलवा रहा है, 650 गुणा 72/100 जो निकलेगा वो आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो साधारण ब्याज वाला सवाल है, कितना आसान है, वही हमने जो बचपन में कर रखा था, ठीक है, बचपन में, यानी कि जैसे यहाँ पर देखो मूलधन है 990, 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा, सामान्य ब्याज का सूत्र क्या होता है, जो मूलधन है गुणा समय है गुणा जो दर है 100/100 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए कुछ सवाल है, किसी वस्तु का 23% लाभ 9% हानि के बीच का डिफरेंस दे रखा है 928, विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य, बहुत सिंपल है, देखो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसमें क्या करना होता है, 2% है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, लाभ हानि दोनों को जोड़ दीजिए पहले आप, ठीक है, अंतर के हिसाब से कर सकते हैं, बोर्ड नहीं है तो मैं समझा देता, अगर इस तरह का सवाल है तो दोनों को लाभ हानि को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो क्या करना है, जैसे इसमें अभी अंतर जो दे रखा है 928, तो बस क्रेम 928 गुणा 100 क्रेमूल आपको निकालना है 32/32 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो अंकित मूल वाले सवाल होते हैं, अंकित मूल रखिएगा और जो भी इसमें बट्टा लग रहा है बस गुणा करके आगे बढ़ाते जाइए, जैसे इसमें 2100 रुपये का अंकित मूल्य दे रखा है, दो छूट हैं 20 और 15 की, 100 में से 20 घटाइएगा 80, तो जो बचेगा 2100 गुणा 80/100 गुणा 85/100 आंसर आ जाएगा, यस और नो, तो आप इन्हें कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट वाले सवाल नहीं है। इसके बाद में आप ये देखिएगा, ये औसत वाला है, औसत वाले सवाल आपके पेपर में आते हैं औसत वाला भी अच्छा होता है, ये क्या देखो दो हैं, दो नाम है जिसमें एक कॉमन है, तो बस लास्ट में क्या करेंगे, बस रखते जाइएगा जो भी लास्ट में आएगा, दो कोष्टक और एक बार उनके नाम लिख दीजिएगा, बराबर जो उनका योग आ रहा है वो लिख दीजिएगा, बस औसत निकालना है तो तीनों के योग में तीन का भाग दे देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। ये देखिएगा ये समानुपात वाले हैं, अनुपात समानुपात वाले हैं, बहुत सिंपल से सवाल हैं, 15x है 5y है तो xy का क्या होगा, x और y के बगल में जो है वही xy का मान है, जैसे 15x के बगल में 15 है ना, तो 15x का वैल्यू 15 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा 5 15 3/1 आंसर आ जाएगा इसका, तो ये समानुपात वाला है।
अर्जित ब्याज निकालना है, ब्याज ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला है, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज से बताओ क्या निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकलती है। और चक्रवृद्धि ब्याज में से बहुत सिंपल सी बात है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो बचेगी क्या, ब्याज, बस वही वाला सूत्र है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जिनके सवाल है ये आप देख लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मैथ्स के अंदर जो भी आपने अब पेपर देख लिया ना, अपने ये जेन्युइन क्वेश्चन जो पेपर में आए थे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने सोच रखा है बहुत डिफिकल्ट आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं हिंदी के भी आपको बता दूंगा, रीजनिंग के भी बता दूंगा। इससे होगा क्या, पेपर तो आपके पास होगा, इससे होगा सिर्फ इतना कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक हिम्मत आएगी कि मैं इन्हें कर सकता हूँ। समझ रहे हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कहीं फाइट हो रही है, कहीं लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, अब किसी ने बता रखा है भाई ये बंदा जो है ना बहुत लड़ाई दंगा करता है, बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, पहलवान है, तुम इसे जीत नहीं सकते हो, हर किसी को हरा देता है, हवा बिठा दिया तो तुम पक्का हारोगे। अगर वही और आप जैसे ही लड़के जो है ले जा करके और उससे लड़ाई लड़वा दी, अब लड़वा के देखा तो वो हार जाता है, हर बार हार जाता है, तो आपके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी कि यार मैं इसे हरा सकता हूँ, यानी कि ये जो हवा बना रखा है वैसा नहीं है, आराम से मैं इसे हरा सकता हूँ, डिफीट दे सकता हूँ। वैसे ही मैथ है, मैथ के अंदर बहुत कुछ नहीं है, आपका बेसिक मुझे पता है, मैथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समझ में थोड़ा कम आता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथ आसान हो जाएगा। चलेगा, अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें, कोई प्रॉप्स है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और इन सभी प्रश्नों के कमेंट में आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप हर वीडियो में जो बात कही जाती है उसको सुनते हैं और उसको आप अपने मानते भी हैं उस चीज़ को। थैंक यू।